For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने हर किसी के दिल में दहशत भर दी है और आज पूरा देश इन शहीदों को याद करके रो रहा है। हर कोई किसी न किसी तरह से इन वीरों को श्रद्धांजलि दे रहा है और बॉलीवुड की इंडस्ट्री भी अपनी ओर से कई कदम उठा रही है। वह आतंकी हमले के बाद जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर ब्लैंकेट बैन लगाया गया तो सलमान ने तुरंत अपने होम प्रोडक्शन नोटबुक से सिंगर आतिफ असलम के गाने को कैंसिल कर दिया और अब वो इस गाने को किसी दूसरे सिंगर से गवाने वाले हैं। इतना ही नहीं, जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने इस फिल्म की ट्रेलर लॉन्च को भी पोस्टपोन कर दिया। वेल, सलमान ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत ने भी इस दौरान अपनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की सक्सेस पार्टी को कैंसिल कर दिया। अजय देवगन ने भी ये अनाउंस कर दिया कि वो अपनी फिल्म टोटल धमाल को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने देंगे। तो इस तरह बॉलीवुड के सितारों ने भी CRPF के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।